वेलकम टू सेविंग विद शहीन। आज मैं ये एक सूट की कटिंग आपको दिखाने लगी हूँ कि बेसिक जो कटिंग होती है कैसे आप इसको शलवार कमीज जो है वो बनाना सिखाऊंगी। अब बेसिकली मैं आपको काटना सिखाऊंगी और फिर इंशाल्लाह सिलाई करना भी आस्ता आस्ता सिखाऊंगी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो जो भी बहन भाई मेरी वीडियो देखे वो इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाए और लाइक और शेयर करें प्लीज। ये सूट है जो मैं अभी इसको काटने लगी हूँ। डिजाइनर है तो इंशाल्लाह ये लोन का सूट है और मैं आपको इसका दिखाती हूँ। इसका ये बॉर्डर है जो दामन पे आएगा, ये साइड पे है और मैं इसको साइड से उतार लेती हूँ। फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट भी दिखाऊंगी कि कैसे आप मेजरमेंट करना सिखाऊंगी कुर्ती की और ट्राउजर्स की और शलवार की। इंशाल्लाह डिफरेंट डिफरेंट चूड़ीदार पजामा और कैप्री ट्राउजर्स और डिफरेंट चीज जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ये है इसकी बैक और बाजू, इसको भी हम लोग अलग कर लेते हैं। ये होगी इसकी बैक और इसको भी हम लोग ऐसे ही, कभी कभी जो होता है इसमें जो डिजाइनर सूट होते हैं स्पेशली लोन के और लिलन के, उनमें काफी ज्यादा रेब आती है तो उसका मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि कैसे इसको निकालना होता है। उसके दोनों बॉर्डर को एक जैसा रखो और इसको ये मिडल में मुश्किल में आएगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेब है, तो इसको मैं ऐसे करके मिडल से, क्योंकि इसके बॉर्डर में भी थोड़ी सी जो है वो आएगी बराबर नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह ये जब मैं सिलाई करूँगी तो तब भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और पैच काटना, पैच को ट्रिम करना और पैच लगाना ये भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता दिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पसंद की और मुझे सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूं। तो ये जो मेजरमेंट है ये मेरे पास ये मेजरमेंट मेरे पास जो है ये पड़ी है। मसलन मुझे बाय हार्ट याद है जिसकी है कुर्ती और इसकी मैं लेंथ लेने लगी हूँ। इसकी टोटल लेंथ जो है 42 है, तो 43 है सॉरी, इसकी टोटल लेंथ 43 है, लेकिन मैं जब इसकी कटाई करूँगी कटिंग करूँगी इसके मैं जो शोल्डर हैं वो मैं इसके 9 रखूंगी सिंगल साइड से।
आपका शोल्डर जो होता है, ये मैं आपको अपना तरीका, ये मसलन जो बेसिक कुछ बच्चियां जो हैं वो जब नया सीखती हैं तो उनको मुश्किल लगता है कि वो ज़्यादा वो उसके साथ चौक के साथ और उसके साथ पेंसिल के साथ या किसी चीज़ के साथ निशान लगाएं और बार बार जो है ना उसको मेजर करें। तो क्योंकि मैं क्लासेस भी करती हूँ तो मुझे पता है कि कैसे इसका जो है ना, तो अभी ये इसकी अब ये मैं अभी इसको 13 पे मैं आपको थोड़ा सा निशान लगा दूंगी और कमर का निशान जो है वो, क्योंकि मैंने इसमें प्लेटें भी डाल ली हैं तो फिर इस मैंने इसको 3 इंच पे लगा दिया है, साइड से नीचे तक 3 इंच पे मैंने इसको कट लगा दिया है और हिप्स जो है वो इसकी में, और जो ये है ये मैंने शोल्डर का 13.5 इसको मैं ऐसे भी थोड़ा सा हिप्स और दामन जो है वो तकरीबन सेम एक जैसा रखूंगी, क्योंकि कुछ लोग नीचे से दामन की कटाई ज़्यादा कर लेते हैं तो दामन जो है वो थोड़ा सा नैरो सा हो जाता है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही काटूंगी तकरीबन। और फिर हम लोग यहाँ से ये 12 इंच ये कुछ रखूंगी और 12 इंच इसका जो है 12 पे पसंद करते हैं निशान लगाना ऐसे, और कुछ जो है वो 14 पे, लेकिन मैं इसको इनके बिटवीन रखूंगी, मैं 13 रखूंगी तकरीबन। और फिर ये मैं जो आपको बता रही थी कि इसको दाल में इसको रेब आती है, देखें कितना फ़र्क है, और जो नए सिलाई करने वाले होते हैं उनको समझ नहीं आती। तो इसको अभी मैंने ये फालतू रखा है तो इसको मैं अभी थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे पैच जाएगा, ये पैच लगेगा इसके नीचे, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं ट्रिम जब करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, शायद इस वीडियो में ना दिखा सकूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊँगी, क्योंकि कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे से छोटी वीडियो रखूँ, बड़ी वीडियो ना करूँ, लंबी वीडियो ना करूँ। तो इंशाल्लाह ये कमीज़ की होगी कटिंग, तो ये वाला जो है ये बैक नेक है, और बैक नेक को मैं अभी काट लेती हूँ, और फ्रंट नेक जो है वो जब मैं सिलाई करूँगी तो फिर मैं इसको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, और प्लेट्स डालना भी और नेक बनाना भी और सारा ये जो है प्रोसेस इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी। ये इसका बॉर्डर है जो फ्रंट और बैक पे लगेगा, इसको हम लोग अलग कर लेंगे ऐसे, ये कमीज के ऊपर लगेगा, इसको हम लोग ये हो गया। अभी मैं आपको इसकी बाजू दिखाती हूँ, ये इसकी बाजू है, और बाजू जो है इनमें भी वही मसला है जो कमीज में था कि इसमें भी रेब है, तो इसको आप जब भी काटें तब यहाँ से पकड़ें बॉर्डर से और यहाँ करके ऐसे देखें, अब इसमें ये फर्क आ रहा है, क्योंकि मेरी कमीज जो है ये लार्ज है, तो जो मैं इसको सिलाई करूँगी ये लार्ज कमीज़ है, तो लार्ज कमीज़ के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पीस डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इनफ नहीं होगा, अगर मैं इसको ऐसे ही ट्रिम कर दूँ तो फिर ये इनफ नहीं होगा, ये पीस डलेगा यहाँ पे, ये बेसिकली एक ही पीस इसमें डलेगा क्योंकि ये एक साइड से इसमें रेब है, तो ऐसे करके, क्योंकि मैं आपको इतनी उलझन में नहीं डालना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल सिखाऊँ। ये इसकी बाजू जो है 23 लेंथ है और हम 23 रखूँगी, ऊपर से मैं इसकी कटाई नहीं करूँगी क्योंकि बाजू छोटी बन रही है, तो ऐसे, तो क्योंकि जो हमारी कमीज का कंधा था वो यहाँ से शोल्डर वो 12 था, तो हम लोग इसको
12 ही काटेंगे, तो फ्रंट से जो है वो इसको मैं 7 रखूंगी, तो 1 इंच सिलाई के लिए रखूंगी और इस तरह। और यहाँ पे पाइपिंग लगेगी, पाइपिंग लगाऊंगी, और क्योंकि बाजू छोटी बन रही है इसलिए मैं इसको ज़्यादा मज़ीद इसको ट्रिम नहीं करूँगी, यहाँ पे पाइपिंग शुरू कर लूँगी। तो ये 23.5 तकरीबन रह जाएगी रेडी। तो ये बाजू होगी तैयार। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको सिलाई करूँगी तो इस कुर्ती को, तो इंशाल्लाह फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।